ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? प्लीज ऐसा मत करो, आपको बद्दुआ लगेगी, आपके कीड़े पड़ेंगे, प्लीज ऐसा मत करो। फ्रेंड्स, आप साथ में पता क्या देख पा रहे हैं? मेरा खुद का एक वीडियो जो किसी लड़की ने रिकॉर्ड कर लिया। इस वीडियो में मैंने अपने कपड़े भी मूव कर दिए थे। उसका कारण आपको बता देता हूं। एक्चुअली आजकल वीडियो स्कैम बहुत ज्यादा चल रहा है, जिसमें एक अननोन लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, बहुत सारे लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, या फिर ऐसी लड़कियां आपको डेटिंग साइट्स पर मिल जाती हैं, डेटिंग एप्लीकेशंस पर मिल जाती हैं, वो लड़की डायरेक्ट आपको वीडियो कॉल करती है और बहुत सारे लोग भावनाओं में आकर अपने कपड़े रिमूव कर देते हैं। फिर वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस से गुजरते हैं क्योंकि वो लड़की उस टाइम उनका वीडियो बना लेती है। तो उन सभी यूथ को अवेयर करने के लिए इस वीडियो में मैंने खुद के कपड़े रिमूव कर दिए ताकि वो लड़की मेरा वीडियो बना पाए। और ये सारा किस्सा मैं आपको A to Z इस वीडियो में दिखाने वाला हूं, इनका सारा काला चिट्ठा आपके सामने खोलने वाला हूं। तो कैसे आपने इस चीज को हैंडल करना है अगर आपके साथ ये फ्रॉड हो जाता है, और कैसे आपने इस चीज का कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, अच्छे से समझने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, उस फेक लड़की का वीडियो कॉल आ चुका है, आप साथ में स्क्रीन पर सारा उसका लाइव वीडियो देख पाएंगे। तो मैं उसका वीडियो कॉल उठाने वाला हूं। अरे ये क्या कर रखा है आपने? कुछ आपने तो माइक म्यूट कर रखा है, कुछ बोलो तो सही। हेलो, अब इसको लिखते हैं, जानू क्या हुआ, माइक म्यूट था आपका। सबसे हैरानी की बात यह है कि सेम वही वीडियो दोबारा से प्ले किया गया जो मैंने फर्स्ट टाइम वीडियो बनाया था, जो मेरे पास तब आए थे फेक कॉल। था मुझे ये भी नहीं पता था कि दूसरी साइड रियल लड़की भी नहीं है, यानी कि ये सिर्फ एक वीडियो प्ले होता है, कोई रियल लड़की नहीं है दूसरी साइड, बस वो एक इस तरह का न्यूड वीडियो चला देते हैं और उसके बाद फेस की रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। ठीक है, अभी मैं देखता हूं कि ये क्या कहती है। अब उसका एक रिकॉर्डिंग ऑडियो मैसेज आया है। अब ये बोल रही है, मैं आपको दोबारा से सुनाता हूँ, एक बार दोबारा से सुन लीजिए आप। सबसे मजे की बात आपको बताऊं कि जो ये वॉइस मैसेज आया है ना, ये किसी लड़की की आवाज नहीं है, एक छोटा सा डिवाइस आता है, वॉइस चेंजर। मैंने उसकी वीडियो बनाई हुई है पूरा एक्सप्लेन करके, वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप वो वीडियो मेरा जरूर से देख लीजिएगा। उसमें आप देख सकते हो कि किस तरह से हम बड़ी आसानी से अपनी आवाज को लड़की की आवाज में चेंज कर सकते हैं। तो उसने ये वॉइस चेंजर का यूज करके, या फिर कई सारी एप्लीकेशन भी आती हैं जो लड़की की आवाज को लड़की की आवाज में बदल देती हैं। ठीक है, तो इसने अब उस वॉइस चेंजर का यूज करके मेरे पास मैसेज भेजा है कि जानू घर पर सभी लोग हैं, मैं बोल नहीं सकती हूं। ठीक है, तो अभी देखते हैं। तो अभी देखिए, उसने दोबारा से एक और वॉइस मैसेज भेजा, देखिए अब क्या लिखा है, बोलती है। अब ये कह रही है कि आप जो बोलोगे मैं वो करूंगी, आप बोलना मत। ठीक है, तो यानी कि मैं कुछ बोलूं या नहीं बोलूं उसने वही करना है। उसका कारण ये है कि दूसरी तरफ कोई लड़की है ही नहीं है। एक और उसका 10 सेकंड का वॉइस मैसेज आया है। तो अब फिर वही डिमांड आई है कि आपका फेस भी दिखना चाहिए, आपके कपड़े रिमूव हुए भी दिखने चाहिए, ताकि हम आपको ब्लैकमेल करके आपसे पैसे मांग पाए। तो अभी उसका अगेन वीडियो कॉल आएगा और मैं फर्स्ट टाइम अपनी यूट्यूब वीडियो में अपनी टी शर्ट रिमूव कर दूंगा, स्पेशल इंडिया के यूथ को अवेयर करने के लिए। ठीक है, ताकि ये लोग किस तरह से डराते हैं, और आपने इसमें बिल्कुल भी नहीं फंसना है और बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, शायद वो लड़का मेरी वीडियो को देख रहा हो, इसलिए मैं कैमरे के फेस इंप्रेशन नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, यानी कि आप सारा ये चीज लाइव देखिएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने उसका जो माइक है वो म्यूट कर दिया है, और इसी के साथ ही यहां पर उसने भी वो वीडियो प्ले कर दिया है, और मैं भी अपनी टी शर्ट रिमूव कर रहा हूं ताकि वो रियल में ये समझे कि मैं उसके फ्रॉड के जालसाजी में फंस गया हूं, क्योंकि ये स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, देखते हैं ये किस हद तक खेलते हैं। मैं फोन को एक बार साइड पे रख देता हूं, उसका वीडियो चल रहा है लाइव। तो फ्रेंड्स, यहां पर अब मैंने अपनी टी शर्ट को रिमूव कर दिया, स्पेशल इंडिया के यूथ को अवेयर करने के लिए, ताकि ये लोग मेरा वीडियो बनाकर भी मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश करें, और इसके साथ इनका ब्लैकमेलिंग का काम शुरू हो जाएगा। फिर मैं इनसे प्रॉपर डरूंगा भी। मैंने अपना माइक म्यूट कर रखा है, वो मेरी बातचीत को नहीं सुन सकती।
यानी कि सुन सकता, क्योंकि ये तो सिर्फ एक वीडियो प्ले हो रहा है। मैंने YouTube प्राइवेसी की वजह से वीडियो को हाइड किया हुआ है, और इंडिया के यूथ को स्पेशल अवेयर करने के लिए मैं फर्स्ट टाइम ये चीज कर रहा हूं, ताकि कोई भी यूथ अगर इस चीज में फंस जाता है तो उसको कैसे इस चीज को हैंडल करना है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये देखिए, सिर्फ एक मोबाइल पर वीडियो चल रहा है, लाइव हमने देख लिया। मैं सारा काला चिट्ठा आपको खोलकर दिखाऊंगा। आप उसने कॉल कट कर दिया है, आप डायरेक्ट मेरा वीडियो बनकर आएगा, जिसमें उस वीडियो का, उस लड़की का वीडियो होगा, साथ में मेरा टी शर्ट रिमूव वाला ये वीडियो होगा। क्योंकि अब आपने ध्यान से ये चीज देख भी ली होगी, मैं आपको दोबारा से भी स्क्रीन पर प्ले करके दिखा रहा हूं। जब लास्ट में उसने अपने मोबाइल को दूर किया तो वो लड़की का वीडियो सिर्फ एक बेड पर पड़े मोबाइल पर चल रहा था, अगर आपने ध्यान से नोटिस किया हो, कोई रियल गर्ल नहीं थी वो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, फाइनली 5 घंटे बाद मेरा वीडियो रिकॉर्ड होके आ चुका है, जिसमें कि मैंने अपने कपड़े रिमूव किए थे और उसने एक वीडियो के साथ मेरा वीडियो अटैच करके मुझे भेज दिया है। इस ये है टोटल 2 मिनट 22 सेकंड का वीडियो, तो मैं ये आपको प्ले करके दिखा देता हूँ वीडियो, उन्होंने किस तरह से मेरे वीडियो को एडिट किया है। साथ साथ ये वीडियो देख लीजिए और साथ साथ मैं कुछ चीजें आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। पहली बात तो ये, मैंने उस टाइम वीडियो में आपको बोला भी था कि मैंने माइक जो है म्यूट पर लगा दिया था, तो मेरी इस वजह से उसके पास कोई भी आवाज नहीं गई, वरना वो समझ जाता। तो यहां पर देखिए फ्रेंड्स, साथ में क्या है कि जब हम जैसे कि व्हाट्सएप पर किसी से वीडियो कॉल पर बात करते हैं तो उसके पास हमारी स्क्रीन बड़ी दिख रही होती है और उसकी खुद की स्क्रीन छोटी दिख रही होती है। इसी वजह से उसने जो वीडियो प्ले कर रखा है तो वो ऊपर छोटे में नजर आ रहा है, मेरा वीडियो बड़े साइज में नजर आ रहा है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है कि मैं जैसे कि आपने वीडियो में भी लाइव देखा, तो मैंने अपनी टी शर्ट मूव की, तो सेम उन्होंने मेरा वो वीडियो तो यानी कि यहाँ पर डाला ही डाला, और माइक बंद होने की वजह से जो भी ये फ्रॉड है जिसने ये वीडियो एडिट करके भेजा, वो ये नहीं समझ पाया कि मैं भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इसके बाद फ्रेंड्स क्या हुआ कि उसने क्या किया कि मैंने तो वीडियो में कोई ऐसा यानी कि स्टेप नहीं किया था, यानी कि अपने फुली कपड़े तो मूव नहीं किए थे, तो इस वजह से मैंने सारा वीडियो ये देखा तो उन्होंने लास्ट में एक अलग से ऐसा वीडियो चिपका दिया जिसमें कि फुली कपड़े रिमूव थे किसी के, और वो मैंने पहले भी देखा है, सेम ही ऐसा वीडियो होता है। मैं यूट्यूब पर ये चीज नहीं दिखा सकता आपको, आप खुद से समझ जाइएगा। तो इस वजह से मैंने वो प्राइवेसी इश्यू के कारण हाइड कर दिया है। और फ्रेंड्स, अगर आपका भी इस तरह से वीडियो बन जाता है तो आपको कोई शर्म नहीं करनी है, आपको किसी से कोई घबराना नहीं है, ठीक है। इसमें क्योंकि वीडियो चाहे एडिट है, चाहे आपने अपने खुद का रिकॉर्ड करवा लिया है, पहली बात तो ये कहीं भी वीडियो वायरल नहीं होता, पब्लिश नहीं होता, कोई आपको टेंशन नहीं लेनी है। तो इसी तरह से सेम वीडियो चलता रहता है। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट दिखाता हूं आगे। उसने मैसेज किया है, डिलीट या अपलोड फास्ट बोलो, आपकी वीडियो अपलोड ऑल सोशल मीडिया, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, पब्लिक ऐप पर, गूगल पे, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, आपके वीडियो वायरल कर रहे हो, ठीक है, कर रहा हूं, ठीक है। पता नहीं ये कहां से रहते रहते हैं, इनकी भाषा अलग सी होती है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कहीं पर भी आप ऐसा गलत मलत वीडियो नहीं डाल सकते हो, ठीक है। अपलोड ही नहीं होता है, अपलोड हो गया तो टीम साथ के साथ डिलीट कर देती है, यानी कि कहीं भी आपका वीडियो पब्लिश नहीं होता। पहली बात तो ये आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है, इसलिए मैं आपको सारा एक्सप्लेन कर रहा हूं। उसके बाद फिर मेरी एक वीडियो का पार्ट सेंड किया है, आप डिलीट करनी है तो आपको पेमेंट करना होगा 15,000 का, ठीक है। फिर मैंने उसको कुछ डर कर मैसेज किए, जानू व्हाट इज दिस, प्लीज डिलीट दिस, इसके बाद पेमेंट करो, फास्ट बोलो। फिर मैंने उसको लिखा कि जानू मेरे पास 15,000 नहीं है, कुछ रोने वाले इमोजी उसको सेंड कर दिए। फिर उसने लिखा आपके पास कितना है, फास्ट बोलो, ठीक है। फिर उसने एक नकली अपलोडिंग के स्क्रीनशॉट यहां पर चिपका रखे हैं, ठीक है। अब मैं उसको कुछ सैड वाली आवाज में भी सेंड करता हूं, देखते हैं फिर उसका क्या रिप्लाई आता है। जानू आपने ये क्या कर दिया, मेरी लाइफ खराब हो जाएगी, मैं बहुत ज्यादा घबरा गया, मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, प्लीज ऐसा मत करो, और मेरी सैलरी कल मुझे मिलेगी लेकिन वो मुझे खर्च के लिए चाहिए होती है, मेरे पास और पैसे नहीं है, तो प्लीज आप ऐसा मत करो जानू, मेरी लाइफ खराब हो जाएगी, प्लीज जानू ऐसा मत करो, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ऐसा मत करो जानू, मैं आपको पहले कह रहा था कि मैं वीडियो में अपने कपड़े रिमूव नहीं कर सकता, मैंने आप पर ट्रस्ट किया, आपने मेरे साथ धोखा किया, जानू प्लीज ऐसा मत करो, मेरी लाइफ खराब हो जाएगी, प्लीज जानू। तो ये मैंने उसको एक सेंटी वाला मैसेज भेजा है,
कि आप ये रिमूव वगैरह कर दो। अब मैं देखता हूँ उसका क्या रिप्लाई आता है। और इसमें आपको ये भी बता दूं कि जो लोग इसमें फंस जाते हैं, स्पेशली शायद वो मेरी इस वीडियो को कोई देख रहा हो, तो इसमें नकली पुलिस वाले, नकली प्रेस रिपोर्टर, नकली सीबीआई या फिर एक नकली यूट्यूब मैनेजर कोई भी बन के, ये खुद ही होते हैं, इनके ऑफिस में एक लोग, दो लोग, चार लोग ऐसे बैठे होते हैं, सारे अनपढ़ गवार, और उसके बाद ये आपको वहां से फोन घुमाते रहते हैं। अब जैसे कि आप यार एक चीज सोच के चलो कि मान लीजिए मैंने आपके नंबर पर कॉल किया, मैं पुलिस इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ, मैं पीएम बोल रहा हूँ, मतलब यार अगर कोई फोन पर बोल देता है तो उसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि वो सच में हो गया रियल में, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स उसका फिर से मैसेज आ गया है, पेमेंट करो फास्ट। तो मैंने लिखा कि जानू 2000 सेंड कर दो, इनको कोई मतलब नहीं होता, आप 100 रुपए भी कर दोगे उसमें भी यस कर देंगे, और इनकी डिमांड कभी खत्म नहीं होती। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं पैसे देकर अपना ये काम निपटा लूं, तो आप चाहे कितने भी पैसे दे दो। एक बार मेरे पास एक अंकल का फोन आया, तो उन्होंने 10.5 लाख रुपए दे दिया, फिर भी इन्होंने पैसे मांगने बंद नहीं किए। तो आप क्या समझते हो आप कितने पैसे देकर इस चीज से अपनी जान छुटवा लोगे, ठीक है। तो आपको कोई पेमेंट नहीं करनी है, नहीं तो आप इसमें और फंसते जाओगे, इसका सोल्यूशन पेमेंट करना नहीं है, ठीक है। तो फिर अब मैंने जैसे कि उसको मैसेज लिखा है जानू 2000 कर दूं, तो आई होप ये 2000 रुपए में भी यस कर देगा, क्योंकि इसको फर्क नहीं पड़ता, 2000 एक बार चला जाएगा, उसके बाद फिर वही मैसेज कि मैं आपका वीडियो अपलोड कर दूंगा, आपका वीडियो वायरल कर दूंगी लिख देते हैं, या फिर कर दूंगा लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं ये, तो इसको और सेंटी वाला मैसेज करते हैं सेंड, जानू फिलहाल मेरे पास 2000 रुपए ही है, यही आपको सेंड कर दूं, और पैसे नहीं है मेरे पास, प्लीज मेरी बात को समझो, अगर मेरे मम्मी पापा को इस बारे में पता चल गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, आप एक बार मेरे साथ बात कर लो प्लीज, फिर आप को खुद ट्रस्ट हो जाएगा इस बात पर। तो फ्रेंड्स मैंने उसको एक सेंटी वाला मैसेज और सेंड कर दिया है, जानू ये किसका फोन पे पेटीएम नंबर है, इसमें क्या नाम लिखा आएगा, और इस पर कितने पैसे भेजो, प्लीज अपलोड मत करना मेरा वीडियो। तो फ्रेंड्स एक चीज आपको इसमें और बताना चाहूंगा, ऐसा नहीं है कि ये लोग पकड़े नहीं जा सकते, बहुत सारे लोग मेरे पास मैसेज करके कहते हैं कि सर मेरे से पैसे लूट लिए, या अपने बैंक अकाउंट में पैसे डलवा लिए फोन पे गूगल पे, ऐसा नहीं है कोई बच नहीं सकता, ठीक है। आप किसी के आप लेकर दिखाओ ऐसे किसी के साथ फ्रॉड करके पैसे, ठीक है, मतलब एक सही बंदा है यार वो डरता है इस चीज को करने से, और जिसको इस तरह की फ्रॉडगिरी की आदत पड़ जाए ना, तो उसकी एक हैबिट बन जाती है इस तरह से पैसे लूटना। अगर लोग कंप्लेन करते हैं कि साइबर पुलिस क्यों नहीं कुछ करती, पुलिस कुछ क्यों नहीं कुछ करती, तो देखिए इसमें साइबर पुलिस अगर चाहे तो ऐसा नहीं है कि ये लोग बच जाएंगे, ठीक है, अगर चाहे तो साइबर पुलिस 24 घंटे से पहले पहले इनको सभी को उठा सकते हैं, इनके मोबाइल सिम हर एक चीज के समय, ठीक है। लेकिन बात यह है कि आप खुद इस चीज को समझिए, इसमें लोग फंसते हैं अपनी बेवकूफी की वजह से ज्यादातर, ठीक है। अगर कोई फंस भी जाते हैं तो डरने की जरूरत नहीं होती, या फिर लोग वैसे खामखा का डर के इनको पैसे दे देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अब आप ये सोचिए फ्रेंड्स, क्राइम केस वैसे इतने ज्यादा है, अब साइबर पुलिस या हमारी जो पुलिस है वो दूसरे केस निपटाए या इस तरह से लोगों के बेवकूफी भरे केस निपटाने में लगी रहे, तो इस चीज को आप समझिए। इसलिए जरूरी है लोगों का अवेयर होना, ताकि लोगों को इस चीज के बारे में जानकारी पहले हो। जैसे कि मैंने इस वीडियो में खुद के टी शर्ट कपड़े वगैरह रिमूव करके ये वीडियो बनाया है, ताकि अगर इंडिया का कोई यूथ, मैंने समझा है यार बहुत सारे ऐसे बच्चों के दर्द को जो 17-18 साल के होते हैं, वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि वो उस लेवल तक नहीं सोच पाते हैं। अब मैंने इसी वजह से सारा स्टेप करके दिखाया है, मैंने अपना वीडियो भी रिकॉर्ड करवा लिया, इसको मेरे फेस के साथ ये जहां मर्जी पब्लिश कर दें, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता इस चीज का, और आपको भी नहीं पड़ना चाहिए अगर आपका वीडियो बन चुका है। तो इसके बाद लिखा है जसविंदर सिंह, नाम देखिए, नाम जानबूझकर ये कोई फेक नाम यूज किया गया है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस नाम का बंदा कोई ऐसी चीज को करेगा, मतलब कुछ भी नाम उसमें लिख दिया, फेक अकाउंट बना रखा होगा इस नाम से। 2000 फास्ट 2 मिनट में। देखिए अभी जानू आप मुझे 2-3 दिन का टाइम दे दो प्लीज, क्योंकि कल मेरी सैलरी मिलेगी, अभी मुझे पापा से पैसे मांगने पड़ेंगे प्लीज, मैं अभी नहीं सेंड कर सकता, आपको समझो, अगर मेरे पास होता ना मैं आपको 2 लाख भी सेंड कर देता, लेकिन फिलहाल मेरे पास पैसे नहीं है, आप प्लीज एक बार मेरे से कॉल पर बात तो कर लो। तो फ्रेंड्स फिर मैंने एक वही उसको सेंटी वाला मैसेज भेजा है, 2000 रुपए क्या मैं इसको 2 पैसे नहीं देने वाला, और फिलहाल देखते हैं ये कैसे टॉर्चर करते हैं लोगों को, क्या बोल के टॉर्चर करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स घबराने को तो मैं भी घबरा जाऊं यार, मुझे तो देखिए यूट्यूब पर 1.8 मिलियन प्लस लोग फॉलो करते हैं लगभग,
तो अगर मैं सोचूं कि यार मेरा फेस वीडियो बना लिया, मेरा एडिट करके वीडियो बना दिया, अब मैंने अगर खुद के कपड़े नहीं रिमूव किए, उसने तो वीडियो में इस तरह से दिखा दिया ना कि मैंने अपने कपड़े जैसे कि रिमूव किए हों, यानी कि आधा वीडियो ऐसा चिपका दिया जो कोई बंदा फुल जिसने कपड़े उतार रखे हो, आधा वीडियो मेरा ही था, जिससे कि ऐसे लगता है कि शायद वीडियो वाले बंदे ने, अरे यार बना लिया तो बना लिया, घंटा किसी को इंटरेस्ट है ऐसा वीडियो देखने में, अगर किसी आपके फ्रेंड रिलेटिव के पास ऐसा कोई वीडियो बनाकर ये लोग भेज भी देते हैं, तो मतलब वो भी इसी दुनिया में रहते हैं, वो भी हमारे जैसे हैं यार, कुछ किसी में कुछ अलग नहीं है ऐसा, ठीक है? तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इसके बाद लिखा है मर जा, अपलोड कर रही हूं, गुड बाय, ब्लॉक कर रही हूं, जानू प्लीज अपलोड मत करो, प्लीज प्लीज प्लीज, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप एक बार मेरे से बात तो कर लो। आई थिंक उसको ये चीज का आइडिया हो गया है, तभी उसने गाली निकाल के लिखा है अपलोड कर रही हूँ, गुड बाय, ब्लॉक कर रही हूँ, ठीक है? तो यानी कि मुझे नहीं लगता कि ये जो फ्रॉड है ये कॉल पर बात करने वाला है, क्योंकि नहीं तो अभी तक नकली पुलिस या साइबर वाले का बन के कॉल आ जाता। खैर मैं अभी वेट करूंगा, क्योंकि जब ये सारा डाटा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही मैं ये वीडियो बनाकर आप सबके साथ शेयर करूंगा। जानू आप मेरे से अब बात नहीं करोगे कॉल पर, प्लीज एक बार कर लो, सुबह तो आप इतना कह रहे थे प्लीज अपने कपड़े रिमूव करो, अब मैंने आपके कहने से सिर्फ आप पर ट्रस्ट करके मैंने अपने कपड़े रिमूव कर दिए, अपनी टी शर्ट रिमूव की फर्स्ट टाइम वीडियो पर, लेकिन आपने मेरे साथ ये गलत किया, आपने बहुत गलत किया। इसने लिखा कि तेरा लाइफ फ्यूचर सब खराब कर रही हूं, गाली निकाल के, ठीक है? तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें मतलब यार क्या फ्यूचर और क्या लाइफ खराब हो जाएगी इस चीज से, ठीक है? इसने तो क्या वीडियो बनाना था, मैंने खुद से ही अपना वीडियो बनाकर आप देख पा रहे हैं इस टाइम, मैंने यूट्यूब पर ही पब्लिश कर दिया, ठीक है? तो मतलब यार इतना मत सोचा करो, मुझे 18 लाख लोग फॉलो करते हैं, अगर मैं सोचूं तो बस फिर तो यार मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता यार इन चीजों से। प्लीज प्लीज मेरा वीडियो अपलोड मत करो, प्लीज प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज अपलोड मत करो, मेरे पास पैसे होते तो मैं सच्ची दे देता जानू आपको, जानू प्लीज एक बार कॉल कर लो, ऐसा मत करो। अब उसने गालियां बकनी शुरू कर दी हैं, वेरी सॉरी, मैं कोई उसको गाली वाला रिप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं गाली वाला रिप्लाई करूंगा तो ऑब्वियसली मुझे बीप लगाना पड़ेगा या गाली वाली मेरी वीडियो में जाएगी, और मैं वीडियो का जो मेरा कंटेंट है चैनल का वो छोटे बड़े सब देखते हैं, फैमिलीज देखती हैं, तो मेरा काम अवेयर करना है, ना कि कुछ ऐसा गलत मलत वीडियो में पोस्ट करना। इसके बाद लिख रहा है, लिखे 5 मिनट रुक जा, ठीक है? यानी कि वही बार बार डरावा कि तुम्हारी वीडियो को मैं वायरल कर दूंगा या दूंगी, ठीक है? ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ, प्लीज ऐसा मत करो, आपको बद्दुआ लगेगी, आपके कीड़े पड़ेंगे, प्लीज ऐसा मत करो। अब मैंने एक और सेंटी मैसेज उसको इस तरह से भेजा है कि प्लीज, जैसे उसको ये लगे कि शायद ये बंदा बहुत डर गया है, या फिर जो भी कोई जॉब करता है या स्टूडेंट है बहुत डरा हुआ है, तो फ्रेंड्स फाइनली उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि मैंने जो लास्ट मैसेज उसको सेंड किया वो रीड नहीं हुआ, मैंने कुछ देर वेट भी की, और इसके साथ ही उसका डीपी भी चला गया है, तो उसने मुझे ब्लॉक कर दिया व्हाट्सएप पर, और मुझे नहीं लगता कि अब मुझे वो पैसे वगैरह मांगने के लिए कोई कॉल या मैसेज करेगा वो बंदा। तो जो भी इस चीज में फंस जाते हैं, आई होप इस वीडियो से ज्यादा अच्छे तरीके से मैं भी किसी को नहीं समझा पाऊंगा यार, मेरे को शायद आप इस चीज को नहीं समझोगे, लेकिन इस चीज को मैं महसूस करता हूं, क्योंकि डेली मेरे पास ना जाने कितने यूथ इस फ्रॉड में फंस कर मुझे डेली के कितने सारे मैसेजेस सेंड करते हैं कि सर प्लीज मुझे बता लो। और तो और आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे भी हैं जो उनको सोल्यूशन करवाने के देने के नाम पर भी उनसे पैसे लूटते हैं, जैसे कि एक लड़के ने मुझे बताया कि सर मैंने ऐसे एक यूट्यूबर को मैसेज किया तो उसने बोला 300 रुपए लगेंगे, मैं आपका सोल्यूशन तो करवा दूंगा 300 रुपए लगेंगे। मतलब यार एक तो बंदा पहले दुखी है, कोई बेचारा इस चीज में फंसा हुआ है। मैं मानता हूं कि हर किसी का टाइम वैल्यूएबल है, आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं करें या फिर ना करें, बट यार अगर कोई पहली मुसीबत में फंसा हुआ है, कोई गरीब घर से है, कोई छोटा बच्चा है, क्यों उससे यार और पैसे लूटते हो? तो मतलब इस तरह की जालसाजी से फंसे, और शायद वो यूट्यूबर्स भी इनके साथ ही मिले होते होंगे जो इस तरह से पैसों की डिमांड करते हैं फंसे हुए बच्चों से। तो जिस भी यूथ ने मेरा ये वीडियो देखा हो, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, इंडिया के हर एक यूथ तक ये वीडियो जरूर पहुंचना चाहिए, क्योंकि मैंने स्पेशली इसमें यूथ को अवेयर करने के लिए खुद का वीडियो रिकॉर्ड करवाया, क्योंकि उनको ये समझाने के लिए कि ना तो कहीं भी वीडियो वायरल होता है,
अगर हो भी जाएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी लाइफ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कोई घबराने शर्माने की जरूरत नहीं है, ना ऐसा वीडियो कहीं वायरल होता है, कोई आपने पैसा नहीं देना है, कोई आपने मेंटली स्ट्रेस नहीं लेना है। तो उम्मीद करता हूं आज का वीडियो इंडिया के हर एक यूथ के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा, और हम बहुत जल्द मिलेंगे ऐसी किसी और नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।